नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके का क्वेश्चन है, फिर से करेंगे। वो का वही ग्राफ है ना, ग्राफ बनाना है इसका, अंदर वाले का ग्राफ बनाए। और सॉरी, बाहर वाले का ग्राफ बनाए, अंदर वाले के रेंज देखे। पहले रेंज की बात कर लेते हैं। साइन अक्स होता है -1 से 1, और टू साइन एक्स होता है आपका -2 से 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपके? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसका ग्राफ बना देंगे। वही कोस का ग्राफ बनाएंगे। कोस का ग्राफ बनाएंगे तो हाँ जी, रेंज इसके अंदर वाले की क्या है, 2 से 2, -2, तो ये आपका होता है π/2, ये आपका हो गया 3π/2, ये आपका हो गया है -π/2, ये आपका हो गया है -3π/2। और वैल्यू की बात करते हैं तो ये होता है आपका 1.57, ये होगा आपका -1.57, ये आपका हो गया +4.5। अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं हम, -4.5। ध्यान से सुनिएगा, टू, ये वाला 2 है पॉजिटिव, ये होगा 1.57 के आगे, मतलब यहाँ कहीं ये हो गया, ये आपका हो गया 2, -2 भी यहाँ कहीं होगा इसके आगे, -2 भी। अब ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ कितना काम आता है, सबसे इंपॉर्टेंट। इस रेंज से इस रेंज के बीच में ग्राफ हमें काम आता है, तो ये ग्राफ हो गया है। ये ग्राफ हो गया है भाई, इतना ग्राफ हमारे काम आता है। इतना ग्राफ अगर हमारे काम आता है तो इस ग्राफ का टॉप क्या है, लोअर क्या है, ये देखिएगा। ग्राफ के टॉप है ये वाला, ग्राफ का लोअर है ये वाला, टॉप आपका पता है कोस का 1 होता है, और लोअर यहाँ हम रखेंगे cos 2, ये क्या है, cos 2 है। और ये आपका, ये पॉइंट आपका है cos-2, जो हो जाएगा cos 2, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी cos 2। तो रेंज की बात करते हैं, तो रेंज की बात करते हैं तो इसका लोअर ये है और अपर ये है, तो इसके रेंज की बात करते हैं तो रेंज हो जाएगी cos 2.1।